हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम के मून क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.8 की क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिखा है क्या, एफ सच डैट क्लोज इंटरवल आपका -5 to 5 यानी बिलोंग करता है रियल नंबर को, इज आर डिफरेंशिएबल फंक्शन यानी कि जो फंक्शन दे रखा है वो फंक्शन कैसा है आपका, वो डिफरेंशिएबल है। एंड इफ एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर देन प्रूव डेट आपको एफ ऑफ -5 डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। ठीक, अब इसका मीनिंग समझते हैं क्या है। यहाँ पर लिखा एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश, यानी कहने का मतलब है कि जब हम ये फंक्शन जो आपका दे रखा है जब इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये गायब नहीं होगा, मतलब ये जीरो के इक्वल नहीं होगा। यानी कि यहाँ बात ये बोली जा रही है जो फंक्शन आपका होगा यानी कि एफ डैश जो एक्स आएगा वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो हम लोग ये वाला रिलेशन यूज करेंगे तब चीज़ें यहाँ पे आएंगी, क्योंकि यहाँ पे भी डज नॉट इक्वल टू आया है। जब ये रिलेशन लेके चलेंगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें क्या बोली गई हैं, यहाँ बोला गया है जो फंक्शन है, पहला पॉइंट क्या बोला गया है, फंक्शन बोला गया क्या, फंक्शन आपका कैसा डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। एंड सेकेंड पॉइंट, अब याद रखिएगा जब फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होता है तो फंक्शन आपका सब जगह कॉन्टीन्यूअस भी होता है। ठीक है, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट हम ये कह सकते हैं क्या कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है लेकिन उसका जरूरी नहीं कि फंक्शन क्या आपका डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा। तो आप ये चीज़ माइंड में रखिएगा। तो अब यहाँ पता चलेगा फंक्शन कैसा आपका डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या, ये भी आपको पता चल जाएगा क्या, एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस यानी कि जो फंक्शन होगा वो आपका कॉन्टीन्यूअस होगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग चाहें तो रोलेस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और हम लोग चाहें तो यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम को करूँगा। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती थी, जब ये दोनों कंडीशन होते थे तो हमको पता था क्या, एफ डैश जो सी होता था क्या हो जाता था वो, यानी कि एफ बी माइनस का एफ ए अपॉन में क्या आता था, बी माइनस का ए, ये कहानी आती थी। बिल्कुल सर, यही कहानी आती थी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है क्या, बट एफ डैश डज नॉट वैनिश, यानी कि यहाँ बोला गया बट एफ डैश डज नॉट वैनिश। तो यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ हो सकता है कि जो एफ डैश एक्स है वो आपका क्या डैश नॉट वैनिश मतलब जीरो के इक्वल नहीं है। तो सी के अकॉर्डिंग हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं क्या, एफ डैश जो सी होगा सर वो भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। बिल्कुल सर, राइट कर सकते हैं क्योंकि एक्स एग्जाम में आपसे लिख देंगे। अब ऊपर देखिए एफ डैश सी किसके इक्वल था, वो सर था क्या एफ बी माइनस का एफ ए अपॉन में कितना था, बी माइनस का ए, ये भी आ जाएगा डज नॉट इक्वल टू जीरो पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये कंप्लीट जब इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करें सब जीरो हो जाता है। तो यहाँ कितना आएगा एफ बी माइनस का यहाँ पे एफ ए आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे ए की जगह कितना है सर, -5 है, बी की जगह कितना है 5 है, तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा क्या एफ -5, ये जब चीज़ उधर जाएगी क्या हो, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे डज नॉट इक्वल लगा दिया, जब ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा एफ हो जाएगा। चलिए ये चीज़ आपकी आ गई। ध्यान से देखिए क्या, यही चीज़ तो हमको प्रूव करना था। यहाँ बोला गया था कि एफ डैश जब डज नॉट वैनिश होगा देन आपको तब प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लेके तो वही चले थे ना, चीज़ें लेके चले, नॉर्मल हमने प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आप रोलेस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, आराम से चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो आपको यहाँ प्रूव हो गया तो यहाँ लिख देंगे क्या, हैंस प्रूव। तो बिल्कुल 10 बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने सब चीज़ें आपको बिल्कुल बेसिक से बताया था, वही चीज़ हमने यहाँ पे डिट्टो यूज करी। अब आपको पता आगे वाला क्या होता है, ए होता है, पीछे वाला क्या होता है, बी होता है, वही चीज़ हमने यहाँ पे रखी। ठीक, अब यहाँ देखिए नॉर्मल कि हमने यहाँ क्या, ए की जगह -b की जगह -5 रख दिया, ए की जगह 5 रख, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा आपका, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन जब ये इधर जाएगा तो ये बात तो ही पड़ेगी ना, चाहे ये आप इधर रखो चाहे आप उधर रखो, बात दोनों सेम है। ठीक है, तो चीज़ें आपकी उम्मीद कर रहे हैं सारी क्लियर हुई होंगी। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 लिखा है क्या, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री इन द इंटरवल ए कॉमा बी। यहाँ पे दे रखा है क्या, ए की वैल्यू आपकी क्या है, बी की वैल्यू क्या है, यानी कि कहने का मतलब है यहाँ जो ए कॉमा बी दे रखा है, ए बोला गया 1.4 पे, यहाँ बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मीन वैल्यू थ्योरम निकालना है। अभी हमने क्या काम किया था, हमने रोलेस थ्योरम कंटिन्यू किए थे अभी, लेकिन अब यहाँ पहला क्वेश्चन आपका आया क्या, मीन वैल्यू थ्योरम का। तो उसी के अकॉर्डिंग यानी कि यहाँ पे हम दो कंडीशन होती हैं, इसमें पहले वो चीज़ हम चेक करेंगे क्या ये चीज़ दोनों चीज़ें होल्ड करता है कि नहीं करता। जब करता होगा तो वहाँ से फिर हम लोग एफ डैश सी इजिकल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वहाँ से निकालेंगे सी की वैल्यू, फिर सी की वैल्यू देखेंगे होल्ड करेंगे इनके इनके बीच में होल्ड करती है कि नहीं करती है। अगर इनके बीच में आएगी तो मतलब वहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो रही है, अदरवाइज नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये सब काम हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहला क्या, फर्स्ट पॉइंट क्या था, यहाँ पे देखिए द गिवन फंक्शन एफ एक्स, ऐसा है ये आपका पॉलिनोमियल, तो यहाँ लिखेंगे द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल 1.4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक और बी दे रखा है, यहाँ पे आपको ए की वैल्यू बी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। एंड सेकेंड क्या था, हमको डिफरेंशिएबल चेक करना था। अब देखिए ये अभी पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल यानी कि क्या होता है, डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो यहाँ भी लाइन इसलिए वही लिखेंगे क्या, द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज पॉलिनोमियल देन द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 1.4, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या था, वही सेम वही चीज़ें, यानी कि क्या एफ डैश सी इजिकल टू एफ बी माइनस का एफ ए अपॉन बी माइनस का ए, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे क्या, हम लोग सी की वैल्यू निकालेंगे। अब जो जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है पहले वो चीज़ हम लोग निकाल लेते हैं, यानी कि एफ डैश सी हमको ज़रूरत है, तो पहले हम एफ एक्स लिखते हैं, फिर उसका हम लोग करते हैं डिफ्रेंसिएसन, ठीक। एफ एक्स कितना है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स माइनस का थ्री है, हमने राइट किया। इसका डिफ्रेंसिएसन करेंगे यानी कि एक बार डिफ्रेंसिएसन करेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का सर टू एक्स आएगा, यहाँ आएगा माइनस का फोर आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स का हो जाएगा वन, इसका हो जाएगा जीरो। चलिए ये निकाला है, हमको निकालना एफ बी, एफ बी का मतलब क्या हो गया, यानी फोर पे निकालना है। तो यहाँ निकालते हैं हम लोग क्या, एफ ऑफ फोर कितना आएगा, एफ ऑफ फोर यानी कि एक्स की जगह यहाँ पे फोर रखना पड़ेगा, तो यहाँ रखेंगे फोर का स्क्वायर करेंगे माइनस का फोर इंटू फोर, ये हो जाएगा माइनस का थ्री, इक्वल लगाया फोर का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस का सिर्फ 16 हो जाएगा, माइनस का 3, 16 से 16 रिमूव हो जाएगा, आ जाएगा कितना माइनस का 3। अब निकालेंगे क्या एफ ऑफ, अब निकालते हैं 1 पे, यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, चलिए यहाँ करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 माइनस का 3 इक्वल टू, यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर कितना 1 आ जाएगा, 4 इंटू 1 यानी कि 4 आ जाएगा माइनस का 3। चलिए इधर देखिए कितना आएगा, 1 में से 4 जाएगा तर माइनस का 3 बचेगा, यहाँ भी आएगा माइनस का 3, दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस का 6 आ जाएगा। तो यहाँ आपको पता है ये चीज़ पता चल गई। अब एफ डैश एक्स की जगह क्या रखें, सी रखें, तो हमको क्या मिलेगा, एफ डैश सी मिलेगा। तो एक्स की जगह हमने सी रखा तो यहाँ कितना आया, यहाँ 2c माइनस का 4 आ गया। तो सारी चीज़ें हमने निकाली, अब जाके यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एफ डैश सी की जगह हम लोग राइट कर सकते हैं कितना, 2c माइनस का 4, इक्वल लगाया हमने एफ बी की, हमने यानी कि बी की बात कर रहा है, यानी कि बी 4 पे बात कर रहा, तो 4 की हमने निकाली कितनी, माइनस का 3, माइनस का 3 रखा, यहाँ लगता है ऑलरेडी माइनस। एफ ए की वैल्यू कितनी आई, एफ ए की वैल्यू यानी कि 1 की बात कर रहा है, तो यहाँ कितना है माइनस 6, माइनस माइनस का हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। वही चीज़ देखिए यहाँ पे कितना, यहाँ आता है बी माइनस ए, बी की जगह कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस का ए की जगह आपका 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 6 में से 3 जाएगा सर 3 आएगा, 4 में से 1 जाएगा यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ चला 2c माइनस का 4, तो 2c माइनस का 4 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ आएगा 2c 1 माइनस माइनस यहाँ इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा कितना 5 2c, सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, 5/2 का मतलब 2.5, ठीक है। ये जो सी है देखिए 1 और 4 के बीच मिड में तो आता है 2.5, सर बिल्कुल आता है, जिसका मतलब सी आपका जो आया है वो बिलोंग कर रहा है किसको, वो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 1.4 को। तो जब चीज़ें यहाँ पे मैंने कहा था कि ये कंडी फंक्शन कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और जब हम सी की वैल्यू निकालेंगे वो आपका इन दोनों के बीच में मिड में आना चाहिए, तो यहाँ पे चीज़ें सारी क्लियर हैं। तो यहाँ लिख देंगे क्या, 10 MVT यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। उम्मीद कर रहे हैं सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होंगी, बिल्कुल बेसिक जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसी के ऊपर उसी तरह हमने क्वेश्चन किए।
चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फोर लिखा गया, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इन द इंटरवल ए कॉमा बी वेयर ए इक्वल टू वन एंड बी इक्वल टू थ्री फाइंड ऑल सी बिलोंग करता है वन कॉमा थ्री फॉर विच एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज आपको दे रखी है। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमको मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई कराना है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, सर फंक्शन को चेक करना पड़ता है कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो आपको यहाँ पे देख के लग रहा होगा फंक्शन कैसे चल रहा है, फंक्शन सर पॉलिनॉमियल चल रहा है। और सर आपने बताया था कि आप फंक्शन आपके हमेशा पॉलिनॉमियल कॉन्टिन्यूस होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है क्या, द गिवन फंक्शन इज पॉलिनॉमियल देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट क्लोज इंटरवल 1,3, क्योंकि यहाँ पे ए और बी आपका 1,13 दे रखा है, उसी भी आपने लिखा। एंड सेकेंड पॉइंट यानी डिफरेंशिएबल के लिए तब भी लाइन लिखना पड़ेगा क्या, द गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 1,3। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या काम करते थे, एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना हो जाता था, यहाँ पे बात होती थी क्या, एफ बी माइनस का एफ ए अपॉन में कितना हो जाता था, बी माइनस का ए। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा हम वैल्यू रख देते हैं, एफ डैश सी आपका ऐसे रहेगा। अब देखिए एफ बी की जगह यहाँ पे पहले वैल्यू हम पुट करते हैं कितना, सर थ्री है तो यहाँ पे थ्री रखेंगे, माइनस का एफ ए कितना है सर वन है तो वन रख दिया, और यहाँ पर आएगा कितना, थ्री माइनस का वन आ जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो एफ डैश सी इक्वल टू आएगा एफ थ्री माइनस का एफ वन अपॉन कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम पहले निकालेंगे क्या, एफ डैश सी निकालेंगे, फिर एफ थ्री निकालेंगे, एफ वन रखेंगे, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो पहले फंक्शन राइट करते हैं, फंक्शन कितना दे रखा है, यानी कि एफ एक्स आपको दे रखा है कितना, एक्स क्यूब माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स आपको दे रखा है। ठीक, अब एक बार यहाँ पे पहले निकालते हैं एफ वन, यानी एक्स की जगह क्या रखेंगे, वन रखेंगे, तो यहाँ वन रखेंगे तो यहाँ भी वन रखना पड़ेगा, वन का क्यूब माइनस फाइव वन का स्क्वायर माइनस का थ्री यहाँ पे आ जाएगा वन, तो वन का क्यूब यानी कि वन आएगा, और वन का स्क्वायर वन, वन का मल्टीप्लाई फाइव से सर फाइव आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा थ्री, तो एट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस सेवन, यानी कि एफ वन कितना आया, एफ वन आपका आ जाएगा माइनस सेवन। उसी तरह क्या निकालेंगे, उसी तरह हम लोग निकालते हैं एफ थ्री, तो यहाँ पे रखेंगे एक्स की क्या, थ्री रखेंगे तो निकलेगा आपका एफ थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे थ्री रखा हमने, तो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा थ्री, तो यहाँ हो जाएगा कितना, थ्री का क्यूब हो जाएगा माइनस फाइव है, यहाँ पे थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस का थ्री है इनटू आपका यहाँ भी थ्री हो जाएगा, और थ्री का क्यूब 27 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे फाइव इनटू कितना आएगा, नाइन आएगा, माइनस का यहाँ भी नाइन आ जाएगा, तो ये चल रहा है कितना, एफ ऑफ थ्री चल रहा है, तो यहाँ भी एफ ऑफ थ्री आपका चलेगा। चलिए 27, तो यहाँ पे 27 लिखते हैं, ये आप क्या करिए, यहाँ पे थोड़ा सा 27 माइनस 9 कर दीजिए कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा सर 18, माइनस का यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 45, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना एफ ऑफ थ्री। तो यहाँ देखिए 18 माइनस 45 करेंगे यानी कितना आ जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एफ ऑफ थ्री निकाल लिया, एफ ऑफ वन निकाल लिया, अब निकालते हैं क्या, एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ आएगा एफ डैश एक्स कितना यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सर एक्स क्यूब करेंगे सर थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगाया इसका करेंगे कितना आएगा, फाइव कांस्टेंट बाहर निकाला, टू एक्स स्क्वायर का टू एक्स, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका टेन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा माइनस का थ्री हो जाएगा, क्योंकि एक्स यहाँ माइनस थ्री कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, एक्स का हो जाएगा वन। तो ये चीज़ चली, अब यहाँ निकालते हैं क्या, एफ डैश हम सी निकालते हैं, यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो क्या, थ्री सी स्क्वायर माइनस का टेन सी माइनस का थ्री, तो ये आपका आ गया एफ डैश सी निकाल लिया हमने। अब इन सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे पुट करते थे, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका थ्री सी स्क्वायर माइनस का टेन सी माइनस का थ्री इक्वल लगाया हमने एफ बी की जगह, यानी एफ ऑफ थ्री हमने कितना निकाला था, एफ ऑफ थ्री हमने निकाला माइनस का 27, तो यहाँ रखते हैं माइनस का 27, यहाँ लगाते हैं ऑलरेडी माइनस। एफ वन कितना निकाला, एफ वन निकाला माइनस सेवन, माइनस माइनस का हो जाएगा आपको, यहाँ हो जाएगा प्लस का सेवन, डिवाइड लगाया हमने, डिवाइड यानी कि अब यहाँ पे बी माइनस ए, बी कितना चल रहा है सर थ्री चल रहा है, तो यहाँ लिखा हमने थ्री माइनस ए यानी कि वहाँ पे वन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा थ्री सी स्क्वायर माइनस का टेन सी माइनस का थ्री, यहाँ पे देखिए ऊपर आपका आएगा माइनस का 20, यहाँ पे आएगा आपका टू, रिमूव हो जाएगा कितना 10 टाइम्स आएगा, तो ये आपका देखिए यहाँ पे कितना थ्री सी स्क्वायर माइनस का टेन सी माइनस का थ्री, यहाँ माइनस का टेन इधर आएगा कितना आएगा आपका, यहाँ प्लस का टेन हो जाएगा इक्वल टू जीरो,
तो यहाँ पे आया कितना 3c² माइनस का 10c, यहाँ 10 में से 3 जाएगा आपको कितना आ जाएगा प्लस का 7 = 0। तो ये चीज़ आ गई, यानी कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा फैक्टर करेंगे, यानी 7 × 3 = 21 होगा। हमको ऐसे दो नंबर लेने हैं कि हम उनका ऐड करें तो कितना आना चाहिए, ऐड करें तो 10 आना चाहिए, और या सबट्रैक्ट करें तब भी 10 आना चाहिए, और आप मल्टीप्लाई करें तो 21 आना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 3c², और ऐसे दो नंबर आपके 7 और 3 ही हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्या 7 + 3c + 7 = 0, क्योंकि 7 और 3 को ऐड करेंगे 10 आएगा, और 7 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 21 आएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 3c² आएगा माइनस का 10c हो जाएगा आपका, यहाँ पे करेंगे माइनस का 3c प्लस का यहाँ पे 7 = 0। यहाँ हम लोग c कॉमन ले लेंगे, जब 3c कॉमन लेंगे कितना आएगा 3c माइनस का आपका आ जाएगा 7। यहाँ पे कितना कॉमन लें, यहाँ पे हम 1 कॉमन ले लेते हैं माइनस का, कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 3c - 7 = 0। तो देखिए यहाँ पे ये नंबर कॉमन है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3c - 7 हो जाएगा, उसके बाद एक ब्रैकेट में c - 1 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे पता चला क्या 3c - 7 = 0, तो यहाँ पे आएगा 3c = 7, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/3 आ जाएगी, क्योंकि ये पक्का निगेटिव था, उधर जाएगा पॉजिटिव, यहाँ c की वैल्यू 7/3 आ गई। अब उसी तरह यहाँ पे c - 1 = 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आपकी आ गई 1। ठीक है, अब c वैल्यू हम 1 तो ले नहीं सकते, क्योंकि हमको यहाँ पे चाहिए क्या, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या कहता है, ओपन इंटरवल ये कहता है कि सर 1 भी नहीं होगा 3 भी नहीं होगा, इसके जो बीच में वैल्यू आएगी वो होगा, है ना। तो यहाँ पे c ये वैल्यू तो बिलोंग नहीं करेगी इसको, बस कर केवल यही वैल्यू बिलोंग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर 1 point something, यानी कि 1.3 इसकी वैल्यू आएगी, इसका 2.3 है, क्योंकि 7/3 मतलब 2.3, तो 2.3 इसकी 1 और 3 की मिनट में तो वैल्यू हाई होती ही होती है, बिल्कुल सर ही होती है। यानी कि यहाँ लिख देंगे c = 7/3, सर बिलोंग करता है किसको, 1, 3 को। जब ये कंडीशन आई तो क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 10 MVT एज वेरीफाइड। ठीक है, तो उम्मीद करें सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब याद रखिए ये हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला गया सी बिलोंग करना चाहिए किसको, ओपन इंटरवल बिलोंग करना चाहिए। ओपन का मतलब यानी कि सर 1 भी नहीं होगा 3 भी नहीं होगा, इसकी जो मिड में वैल्यू आती है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपकी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पे 1 और 3 की मिड में 7/3 होती है, और 7/3 के सॉल्व करते हैं तो 2 point something, यानी कि 2.33 आएगी, जो कि इसके मिड में वैल्यू है, तो यहाँ पे ये वैल्यू ली जाएगी, अदरवाइज ये आपकी स्किप कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ क्वेश्चन कोई भी आए, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे जो भी हो, मैंने आपसे कहा था क्या ट्रिग्नोमेट्री हमेशा क्या हो भी आपके कॉन्टिन्यूस होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं, आपको यहाँ पे चेक करने की कोई जरूरत नहीं। ये सब चीज़ें आपको जब MVT क्वेश्चन आएगा या मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन आता है, सॉरी जब आपका रोलेंस थ्योरम का क्वेश्चन आता है, तो आपको इसी तरह इसको लिखना पड़ता है, यानी कि स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, आपको यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि आप इसको लिख लिख के इतना चेक करके दिखाएं। ठीक है, उम्मीद करें सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और क्वेश्चन नंबर जो इसका 6 है, वो क्वेश्चन बिल्कुल उसमें भी जो भी चीज़ें कही गई हैं, तो प्रॉपर चीज़ें आप उस अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, चीज़ें आपके लिए बिल्कुल की जाएंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।